हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुंजल सोनी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर जो कि अपने पास है स्थिर वैद्युतिकी। और इस चैप्टर के अंदर हम दैनिक जीवन की उन घटनाओं की व्याख्या करेंगे जो कि आवेश से संबंधित होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार टीवी के पास अगर अपन अपने हाथ की स्क्रीन को ले जाते हैं तो हाथ के जो बाल हैं वो टीवी की स्क्रीन की साइड आकर्षित होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम कोई कागज़ लेकर के उस कागज़ पर प्रेस करें तो प्रेस करने के बाद वो कागज़ आपके हाथ पर आकर्षित या प्रतिकर्षण का गुण दर्शाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम एक गुब्बारा लेकर के उस गुब्बारे को फुलाने के बाद अगर हम उसको सिर में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद वो गुब्बारा दीवार पर आसानी से चिपक जाता है। तो ऐसी दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या हुआ? तो इसमें सबसे पहला जो शब्द है स्थिर, इसका मतलब स्थिर अवस्था में। और वैद्युतिकी शब्द जो अपने पास यहाँ पर है इसका अर्थ होता है आवेश। ठीक है, स्थिर अवस्था में रखा हुआ आवेश, इसका अपन डायरेक्ट ये कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, अगर आपका आवेश स्थिर अवस्था में रखा हुआ है तो वो कौन कौन से घटनाएं प्रदर्शित करता है वो हमें इस चैप्टर के अंदर देखनी होती है। अब ये आवेश क्या है? तो 11th क्लास में हम आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें हमारे पास दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक ऋणात्मक आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन पर होता है और एक धनात्मक आवेश जो कि प्रोटोन पर होता है। तो सबसे पहला गुणधर्म आवेश को प्रदर्शित करने का यही हो चुका है कि आवेश हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव का उदाहरण जैसे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का उदाहरण जैसे कि पॉजिट्रॉन हो सकता है या फिर प्रोटॉन हो सकता है। ठीक है, दो प्रकार के आवेशों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब ये बात करते हैं हम यहाँ पर कि इन आवेशों के और क्या क्या गुणधर्म है। तो इनके गुणधर्म पढ़ने से पहले एक बार हम आवेश को परिभाषित कर लेते हैं कि आवेश को हम किस तरीके से परिभाषित करें, एक्चुअली होता क्या है आवेश। तो जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण का अध्याय पढ़ा हुआ है और उस गुरुत्वाकर्षण के अध्याय में हमने देखा था कि दो अगर आपके पास वस्तुएं हैं जिनके पास द्रव्यमान है तो वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अगर दो वस्तुओं के पास द्रव्यमान है एम और दूसरी द्रव्यमान एम तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। ठीक है, और ये बल जो लगता है एक दूसरे के ऊपर वो होता है गुरुत्वाकर्षण का बल। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के बल को अनुभव करने के लिए जो गुणधर्म वस्तु के पास होना आवश्यक है वो है द्रव्यमान। अगर वस्तु के पास द्रव्यमान है तो वो वस्तु गुरुत्वाकर्षण के बल का अनुभव कर सकती है या दूसरी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगा सकती है। इसी प्रकार हमारे पास गुरुत्वाकर्षण के बल की तरह ही एक बल और होता है प्रकृति में जिसे हम बोलते हैं वैद्युत बल। और वैद्युत बल अगर किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर लगाना है या दूसरी वस्तु के द्वारा लगाए गए वैद्युत बल का अनुभव करना है तो उनके पास जो गुणधर्म होना चाहिए वो गुणधर्म होता है आवेश। ठीक है, अगर आपके पास एक वस्तु है जिसके ऊपर प्लस आवेश है, दूसरी वस्तु के ऊपर प्लस आवेश है तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर वैद्युत बल लगा सकती है। अब वो आकर्षण प्रकृति का है या प्रतिकर्षण प्रकृति का वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें कि किस तरीके से आवेश को परिभाषित कर सकते हैं कि आवेश वस्तु का वह गुणधर्म है जो अगर वस्तु के पास है तो वस्तु दूसरी वस्तु पर जिसके पास भी आवेश हो उस पर वैद्युत बल लगा सकती है या दूसरी वस्तु द्वारा लगाए गए वैद्युत बल का अनुभव कर सकती है। इस तरीके से हमें आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आवेशों के गुणधर्म और क्या क्या हैं। ठीक है, तो उस पर चलते हैं। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि आवेश के दो प्रकार हैं। अब इसके अलावा आवेश के और क्या गुणधर्म हैं? तो दूसरा गुणधर्म अपने पास ये है कि आवेश आपके पास एक अदिश राशि है। सदिश और अदिश के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अदिश राशि क्या होती है? ऐसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ मान हो, दिशा नहीं हो। तो यहाँ पर आवेश जो होता है जिसको अपन चाहे तो Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
तो इसमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो उनमें अगर हम आवेश को जोड़ना चाहें तो हम आवेश को सीधे ही जोड़ सकते हैं, उसमें आपको दिशा लेने की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार हम नंबर्स को जोड़ते हैं उसी तरीके से हम आवेशों को सीधे ही जोड़ सकते हैं। तो अगला गुणधर्म जो अपने आवेश का होगा वो है आवेश का मात्रक। ठीक है, तो अगला गुणधर्म अपने पास आवेश का मात्रक क्या होगा? तो 11th क्लास में हमने SI मात्रक, MKS और CGS मात्रक पढ़े हुए हैं। तो यहाँ आवेश का जो SI मात्रक है, जो ही आपको न्यूमेरिकल में यूज करना होता है, वो आपके पास होगा SI मात्रक इसका कूलम, जिसको आप सी से प्रदर्शित करोगे। इसके अलावा इसका MKS मात्रक, SI मात्रक एक ही है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके CGS मात्रक की, तो वो होता है स्टेट कूलम। ठीक है, और इन दोनों में अगर कनेक्शन देखें तो एक कूलम में होते हैं 3×10⁻⁹ स्टेट कूलम। अगर किसी क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करना हो तो उस कंडीशन में हमें इसका ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये जो CGS यूनिट है इसका एक और नाम होता है, इसको अपन ESU यूनिट भी बोल सकते हैं। इस CGS यूनिट को अपन इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये इसका एक और नाम है जो हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगले गुणधर्म की बात करते हैं। तो ये देख चुके हैं कि अपने पास दो प्रकार के आवेश हैं, एक तो अपने पास हो चुका है पॉजिटिव आवेश और एक हो चुका है नेगेटिव आवेश। ठीक है, अब यहाँ पर अगला गुणधर्म आवेशों का ये है कि अगर आपके आवेश समान प्रकृति के हैं, जैसे कि दो पॉजिटिव हों या दो नेगेटिव हों, तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मैग्नेट में देखा होगा, मैग्नेट में अगर अपन दो पोल लेते हैं और एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या साउथ पोल हो दोनों तब भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो उसी प्रकार अगर आपके दो आवेश हैं, पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। यहाँ दोनों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फिर दोनों के मध्य अपने पास कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का। ठीक है, ये अपने पास आवेशों का अगला गुणधर्म हो गया। आवेशों के गुणधर्म की बात करते हुए हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु को आवेश किया कैसे जाए, क्योंकि 11th क्लास में जब हम एटम वाला चैप्टर पढ़ते हैं परमाणु, तो उसमें हम ये देखते हैं कि विलगित अवस्था में आपका परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, अगर हम परमाणु की बात करें तो आपके परमाणु में नाभिक होगा और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो कुल आवेश कितना हुआ? तो अभी हमने बात की कि आवेश एक अदिश राशि है, आपको कुल आवेश निकालना है तो आप आवेशों को नंबर की तरह जोड़ सकते हैं। जितना पॉजिटिव में आवेश है, पॉजिटिव में आवेश कौन सा? प्रोटॉन का आवेश, और प्रोटॉन होता है नाभिक के अंदर, तो यहाँ पे नाभिक के अंदर पॉजिटिव आवेश, और जितनी मात्रा में पॉजिटिव आवेश होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं। जितना पॉजिटिव आवेश नाभिक के अंदर है उतना ही नेगेटिव आवेश नाभिक के बाहर है। कुल आवेश कितना हुआ? जीरो। तो इस कंडीशन में आपका कुल आवेश हो जाता है शून्य। ठीक है, इसे कहते हैं अपन विलगित अवस्था। विलगित अवस्था का मतलब आपका जो परमाणु है उसका बाह्य वातावरण से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस कंडीशन में जितना पॉजिटिव आवेश होगा उतना ही नेगेटिव आवेश होगा, तो कुल आवेश का मान कितना हो जाएगा? जीरो। तो कुल आवेश तो जीरो हो गया, अब हम इस वस्तु को आवेशित कैसे करें? तो आवेशित करने का हमारा जो तरीका है वो ये होता है कि इसमें से आप या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लें या फिर इस परमाणु को आप इलेक्ट्रॉन दे दें, तब जाकर के हम इस परमाणु को आवेशित कर सकते हैं। अभी आप यूं देखोगे कि कुल आवेश जीरो कैसे आया, जितना पॉजिटिव में आवेश है इसको मैं लिख रहा हूँ प्लस का क्यू, प्लस उतना ही नेगेटिव में आवेश है इसको लिख रहा हूँ माइनस का क्यू, तो टोटल कितना हो गया? जीरो। ठीक है, अब आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हो, इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लूंगा तो क्या होगा? नेगेटिव आवेश कम हो जाएगा,
और नेगेटिव आवेश कम होने की कंडीशन में अब ये योग आपका जीरो नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम हो गया, तो अब आपके पास ओवरऑल जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है कि अगर हमें किसी वस्तु को धनावेशित करना है तो धनावेशित करने का तरीका क्या हुआ, आप उस वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बन सकता है कि धनावेशित क्या हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इस परमाणु को हम प्रोटॉन दे दें, प्रोटॉन देने से भी इसका धनावेश बढ़ जाएगा और फिर इसका कुल आवेश पॉजिटिव में आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हम किसी परमाणु को प्रोटॉन न तो दे सकते हैं और न ही उसमें से प्रोटॉन हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पर है, नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर इन प्रोटॉन्स पर लग रहा होता है इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्रबल बल, और वो प्रबल बल हमारा होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल की उपस्थिति के कारण नाभिक के अंदर से प्रोटॉन को निकालना या फिर प्रोटॉन देना संभव नहीं हो पाता। तो आप किसी भी कंडीशन में प्रोटॉन को तो बाहर नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ परमाणु में या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जब भी स्थानांतरित होगा, किसी वस्तु को आवेश देना है या आवेश लेना है, तो वो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन के रूप में ही हो सकता है। इलेक्ट्रॉन को दे करके या इलेक्ट्रॉन निकाल करके हम उस वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेशन की विधि का हमें पता चल चुका है कि किस प्रकार हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे। अब यहाँ पर अपन ने देख लिया है कि किस प्रकार धनावेशित किया जाए, उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल करके। इलेक्ट्रॉन निकालने से नेगेटिव आवेश कम हो जाएगा, तो अब ये दोनों जुड़ करके आपको पॉजिटिव नंबर देगा। इसका मतलब आपका परमाणु जो है या कोई भी वस्तु वो धनावेशित हो चुकी है। इसी प्रकार किसी वस्तु को ऋणावेशित कैसे किया जाए, तो ऋणावेशित करने के लिए क्या करना होगा, इस परमाणु को हमें इलेक्ट्रॉन देना होगा। अगर हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो उस कंडीशन में अब आपका नेगेटिव आवेश बढ़ जाएगा, पॉजिटिव कम रह जाएगा। दोनों का योग करने के बाद जो नंबर मिलेगा आपको वो कौन सा मिलेगा, नेगेटिव नंबर। इसका मतलब आपने अपनी वस्तु को ऋणावेशित कर दिया है। तो इस प्रकार हम वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर या निकालकर उसे धनावेशित या ऋणावेशित कर सकते हैं। तो आवेशों की अगली जो गुणधर्म है वो है क्वांटीकरण। अब ये क्वांटीकरण क्या होता है, तो अभी जस्ट अपन पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम वस्तु को आवेशित करते हैं, इलेक्ट्रॉन देकर या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल करके। तो क्वांटीकृत राशि क्या होती है, कोई भी ऐसी भौतिक राशि जो कि उसकी सबसे छोटी इकाई से मिलकर बनी हो। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि पैसा की बात करते हैं, मतलब मनी। मनी भी एक क्वांटीकृत राशि है, क्यों, क्योंकि मनी की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई, और वो होती है अपने पास यहाँ पे एक रुपए। ठीक है, इससे छोटा तो मनी होती नहीं, सबसे छोटी इकाई हो चुकी है इसकी वन रुपये। अब जब भी आप मनी बनाओगे तो एक रुपये का पूर्ण गुणज लोगे, जैसे कि मान लो आपको बनाना है 100 रुपये, मनी कितनी लेनी है अपन को, 100 रुपये, तो क्या करना पड़ेगा, 100 × 1 रुपये, ऐसा कुछ। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपने सबसे छोटी इकाई का पूर्ण गुणज लिया है, एक कंप्लीट नंबर से आप उसको गुणा करोगे तो आपके पास भौतिक राशि बनकर के आ जाएगी। इस प्रकार की जो भी भौतिक राशियां होती है उन्हें हम कहते हैं क्वांटाइज्ड भौतिक राशि। ठीक है, तो इसको हम अगर बात करें कि हमारे पास जो आवेश अभी चल रहा है, ये आवेश भी क्या अपने पास क्वांटीकृत राशि है, तो आवेश भी क्वांटीकृत राशि होती है, क्योंकि आवेश भी इसके सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा आवेश क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश, उससे छोटा आवेश संभव नहीं होता। तो जब भी हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो हम उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं या इलेक्ट्रॉन उसको सप्लाई करते हैं, तो निश्चित रूप से आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपको आवेश बनाना है, कितना आवेश बनाना है, 100 गुलाम आवेश बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, किसी पूर्ण गुणक से, मतलब एक कंप्लीट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के आवेश। ठीक है, ये तो आवेश है, इसे क्यू से प्रदर्शित कर देते हैं। पूर्ण गुणज होगा एन, एक कंप्लीट नंबर,
और यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो आवेश भी आपकी एक क्वांटीकृत राशि है, क्योंकि आवेश हमेशा सबसे छोटी इकाई जो है आवेश की, इलेक्ट्रॉन, उसके रूप में स्थानांतरित होती है। जैसे मान लो कि आपने किसी वस्तु का आवेश दिया, तो क्या किया आपने, पॉजिटिव आवेश दिया। पॉजिटिव आवेश देने के लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आप कंप्लीट नंबर की फॉर्म में निकाल सकते हो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दो इलेक्ट्रॉन निकाला, आधा इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं होगा। इस वजह से अपन ने यहाँ पे लिखा है एन, जो कि एक पूर्ण गुणज है, एक कंप्लीट नंबर है, ठीक है ना। इसका मान आपके पास 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी वस्तु पर आवेश पता कर सकते हैं, कि मान लो हमने किसी वस्तु को 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब उस पर आवेश कितना होगा, या उसमें से 50 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उस वस्तु पर कितना आवेश आ जाएगा। इस फॉर्मूले से हम वो आवेश कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं। तो यहां पर क्वांटीकरण राशि से संबंधित एक न्यूमेरिकल लेकर समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि किसी वस्तु को हमने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 5 इलेक्ट्रॉन देने के बाद उस वस्तु पर कितना आवेश आ जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। और अभी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आवेश का, वो है क्यू बराबर एन ई, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, आवेश, ये हमें ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ये हम पहले 11 क्लास में पढ़ चुके हैं। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि आवेश कितना आ जाएगा वस्तु पर, जबकि एन का मान आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यू बराबर 5 × 1.6 × 10⁻¹⁹, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखें कि हमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वस्तु को, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब नेगेटिव चार्ज दिया, तो वस्तु का जो कुल आवेश होगा वो नेगेटिव में होगा, तो ये आवेश आपके पास किस में आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो आपका आंसर होगा माइनस का 8 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमें किसी वस्तु को 1 कूलम्ब आवेश देना है। अब देखो यहाँ पर क्लियर है कि ये प्लस में है, प्लस में होने का मतलब ये होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि उस वस्तु से हम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तब जाकर के उस वस्तु के ऊपर 1 कूलम्ब का आवेश आ सकता हो। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, क्यू इक्वल टू एन ई, ठीक है। अब आवेश कितना देना है, 1 कूलम्ब, तो इसका मान कितना हो गया, 1 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। आपको नंबर पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले जाए। तो यहाँ अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं तो 1 = n × 1.6 × 10⁻¹⁹ और n = 1/1.6 × 10⁻¹⁹। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वोल्ट हटाएंगे यहाँ से, 10 नीचे आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 10/16 × 10⁻¹⁹ ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, और इसको जब डिवाइड करोगे आप तो ये 6.25 × 10⁻¹⁸ इतना रहेगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर हमें ये पूछता है क्वेश्चन में कि इसी क्वेश्चन में अगर अगर हम कंटिन्यू करना चाहें, एक छोटा सा पॉइंट और एड करते हैं कि उस वस्तु के द्रव्यमान में कितनी चेंज होगी, उस वस्तु के द्रव्यमान में हमें कितना परिवर्तन आएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन जब आपने यहाँ से निकाले हैं तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण उस वस्तु का द्रव्यमान अब पहले के कंपेयर में थोड़ा कम हो जाना है, ठीक है। इसी तरीके से किसी क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि हमने वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन देने पर उस वस्तु का भार बढ़ जाएगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि वस्तु के भार में कितनी कमी आई क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, अब देखो आप एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, पहले हम ये क्लियर करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब आपने इलेक्ट्रॉन कितने निकाले हैं, तो हमने इलेक्ट्रॉन इतने निकाले हुए हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, इसको मैं लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम, तो कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके पास 9.1 × 10⁻³¹ डिवाइड बाई 1 इंटू ये पूरा नंबर, मतलब 6.25 × 10⁻¹⁸। ठीक है, और इसको सोल्व करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे वस्तु के भार में इतने द्रव्यमान की कमी आ चुकी है क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। तो इस तरीके से हम वस्तु के द्रव्यमान में होने वाले परिवर्तन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।